Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will be covering Anglo-Mysore Wars. So first of all, first Anglo-Mysore War, which took place from 1767 to 1769. तो सबसे पहले थोड़ी कुछ एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो मैसूर किंगडम था। तो ये जो मैसूर किंगडम था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे, उसके रूलर कौन थे? हैदर अली। अब ये जो हैदर अली थे, इन्होंने अपना जो करियर है वो मैसूर की जो आर्मी थी वहाँ से शुरू किया था। एज अ सोल्जर वो मैसूर आर्मी में काम करते थे, बट देन ड्यू टू हिज यू नो वेरियस स्ट्रैटेजीज, हिज स्किल्स एंड हिज नॉलेज फॉर these western training methods और ये जो western equipments थे लड़ने के लिए, ये वो सारे, इससे इनके उन्होंने basically he was a very you know intelligent person, a smart person, तो इन सब चीज़ों से he you know he arose and he finally became the ruler of Mysore. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमने जो chapter 2 है modern India की जो book है बिपिन चंद्र की, उसमें हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है। एंड दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ डायडमी आईएएस, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच यू नो ऑल अबाउट दिस इन दैट वीडियो। सो नाउ वी विल कवर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 69। तो पहले हम देखेंगे कि इस वॉर के टाइम पे बैकग्राउंड क्या चल रहा था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो वॉर है वो हुआ था। तो आफ्टर देयर ईजी सक्सेस इन बंगाल, द इंग्लिश वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये जो ईजी सक्सेस इन बंगाल है, ये किसको रेफर किया जा रहा है? बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को। ये जो दोनों बैटल्स हैं, ये इंग्लिश ने लड़ी थी अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल। तो ये दो बैटल्स भी हमने डिस्कस करी हुई हैं। दीज टू वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ डायडमी आईएएस, सो इफ यू डोंट नो अबाउट दीज बैटल्स तो यू कैन गो एंड वॉच इट ओवर देयर। तो ब्रिटिश ने क्या था, उनकी जो बैटल ऑफ प्लासी और जो बैटल ऑफ बक्सर थे उसमें ब्रिटिश जीत गए थे। तो इसके बाद ब्रिटिश, ये जो इंग्लिश थे, दे बिकेम यू नो क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब उनको लगने लगा था कि यस दे हैव इनफ मिलिट्री स्ट्रेंथ टू डिफीट एनीबॉडी। सो दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद द निजम ऑफ हैदराबाद, persuading him to give them the northern sirkars or region in lieu of which they said they would protect the nizam from Hyder Ali. तो अब हैदर अली से लड़ने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, जो निजम ऑफ हैदराबाद थे, क्योंकि निजम ऑफ हैदराबाद और जो हैदर अली थे उनकी आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उस ब्रिटिश ने जाके निजम ऑफ हैदराबाद के साथ क्या किया, अलायंस कर लिया कि ठीक है आप हमें ये नॉर्दर्न रीजन्स दे दो एंड बदले में वी विल गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैदर अली। तो ब्रिटिश ने निजम ऑफ हैदराबाद के साथ अलायंस बना लिया। हैदर ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद द नवाब ऑफ अर्कोट एंड डिफरेंसेस विद द मराठास। तो ये जो हैदर अली था, इनके निजम ऑफ हैदराबाद के साथ भी इनके कुछ डिफरेंसेस थे, नवाब ऑफ आर्कोट के साथ भी और मराठास के साथ भी। तो ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है। एक तो इंग्लिश ऑलरेडी बंगाल में जीत चुकी है तो वो क्वाइट कॉन्फिडेंट है। उसके अलावा जो हैदर अली है, उनकी निजम ऑफ हैदराबाद के साथ नहीं बनती, मराठास के साथ नहीं बनती, नवाब ऑफ आर्कोट के साथ नहीं बनती। तो इंग्लिश क्या सोचते हैं कि इन सब के साथ अलायंस बना के वो क्या करते हैं, वो वॉर डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट हैदर अली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो दिस इज द मैप विच इज शोइंग द टेरिटरीज ऑफ निजम, टेरिटरीज ऑफ हैदराबाद, ठीक है। नीचे उसके मैसूर है, उसके बिल्कुल नीचे ट्रावनकोर है, जो कि हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो ये जो रेड वाली, जो रेड में मार्क्ड है वो ब्रिटिश डोमिनियन है, जो ग्रीन वाला है वो मैसूर स्टेट है। तो ऐसे ही जब ये जो वॉर्स है वो कंक्लूड होते हैं तो रिजल्ट क्या निकलते हैं कि कुछ टेरिटरीज उसने ले ली जो जीत गया, कुछ टेरिटरीज वापस उसको दे दी। तो ऐसे करके ये जो सारे वॉर्स हैं ये आगे कंक्लूड होते हैं।
तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया. नाउ चेंजिंग अलायंसेस, द निजम, द मराठास एंड द इंग्लिश अलाइड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली. तो निजम ऑफ हैदराबाद, मराठास और इंग्लिश ये मिल जाते हैं अगेंस्ट हैदर अली. हैदर एक्टेड विद कंसिडरेबल टैक्ट एंड डिप्लोमेटिक स्किल. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि जो हैदर अली था वो काफी स्मार्ट था, इसीलिए वो वो उसने खुद को काफी ज्यादा ही जो एक सोल्जर था, और वो आगे बढ़ता बढ़ता ही बिकेम द रूलर ऑफ माइसोर. तो ही वॉज अ क्वाइट अ स्ट्रैटेजिक पर्सन. तो उसने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज करी और उसने क्या किया, मराठास और निजम को अपनी तरफ कर लिया. ही पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल. मराठास को उसने कुछ पे किया और उनको न्यूट्रल कर दिया. एंड प्रोमिसिंग टू शेयर कंकर्ड टेरिटरीज विद द निजम, कन्वर्टेड द निजम इनटू हिज एलाई. मराठास को उसने कुछ पे करके अपनी तरफ कर दिया और निजम को बोला कि मैं आपको कुछ टेरिटरीज दे दूंगा. और इस ऐसे करके जो हैदर अली है उसने निजम को भी अपनी तरफ कर लिया. ही देन ज्वाइंड द निजम टू अटैक द नवाब ऑफ आरकोट. तो नवाब ऑफ आरकोट भी, उनके साथ भी हैदर अली के अच्छे रिलेशंस नहीं थे. तो अब हैदर अली ने क्या किया, वो निजम ऑफ हैदराबाद के साथ उसने मिलके नवाब ऑफ आरकोट को अटैक किया. तो ये जो सारा है पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है. द वॉर कंटिन्यूड फॉर ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन. ठीक है, तो क्योंकि कंक्लूजन क्या निकलना था पहले, क्योंकि जो निजम और ये मराठास थे देवर विद द ब्रिटिश साइड, और उसके बाद उन्होंने अलायंस चेंज कर ली और वो किसके साथ आ गए, हैदर अली के साथ. तो ये सारी चीजें चलती गई और ये जो वॉर है वो 1-1.5 साल तक चलता गया और कोई कंक्लूजन नहीं निकला. तो हैदर अली ने क्या किया, ही चेंज्ड हिज स्ट्रेटजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास. तो उसने फिर क्या किया, जो मद्रास था वहां पे ही अपीयर्ड. इसकी वजह से क्या हुआ, मद्रास स्टेट में काफी ज्यादा पैनिक हो गया और इंग्लिश फोर्स हो गए टू कंक्लूड अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी विद हैदर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो फिर ऐसे हुआ क्योंकि उनके आपस के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था. कभी निजम हैदर अली के साथ हो जाते थे और मराठास कभी वो ब्रिटिश के साथ हो जाते थे. तो फिर इसीलिए कोई कंक्लूजन तो निकल नहीं रहा था. तो हैदर अली ने क्या किया, उसने बेसिकली मौका देखा. हमने देखा ना, वो बहुत ही डिप्लोमेटिकली ही वॉज वेरी स्ट्रांग. तो उसने मौका देखा और मद्रास पे अटैक कर दिया. इस वजह से फिर इंग्लिश को एक ट्रीटी करनी पड़ी हैदर अली के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो ये याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो कौन सी बैटल के साथ रिलेटेड है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्वेस्ट. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या डिसाइड हुआ था कि जो भी प्रिजनर्स थे उनका वापस दे दिए जाएंगे और म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्वेस्ट, बेसिकली कि अगर किसी के भी ऊपर अटैक हुएगा तो वो आपस में एक दूसरे को बचाएंगे. ये था ट्रीटी ऑफ मद्रास में था. हैदर अली वॉज प्रोमिस्ड टू हेल्प द इंग्लिश इन केस ही वॉज अटैक्ड बाई एनी अदर पार. तो बेसिकली अगर किसी के ऊपर भी कोई अटैक होएगा, हैदर अली के ऊपर अटैक होएगा, इंग्लिश हेल्प करेंगे, इंग्लिश के ऊपर अटैक होएगा, हैदर अली हेल्प करेगा. तो ये सारे जो प्रोविजन्स थे ट्रीटी ऑफ मद्रास के, ये प्रोविजन्स थे. तो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं. होता ये है कि जो ब्रिटिश होते हैं रिसेंटली उनकी जो बंगाल में उन्होंने बैटल्स जीते होते हैं, तो वो क्वाइट कॉन्फिडेंट होते हैं. तो अब उनको लगता है कि वो हैदर अली को भी हरा देंगे, इसीलिए दे मेक अलायंस विद द निजम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास. बट देन दीज द निजम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास दे चेंज देयर साइड्स एंड देन दे गो विद हैदर अली. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द वॉर इट कंटिन्यूज बट इट कम्स टू नो कंक्लूजन. सो द हैदर अली ही चेंजेस हिज स्ट्रैटेजी एंड ही अटैक्स मद्रास. एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंग्लिश दे आर फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विच इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो ये जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर.
Now let's discuss the second Anglo-Mysore War, which took place from 1780 to 84. तो पहले इसका background देखते हैं. Hyder Ali accused the English of a breach of faith and non-observance of the Treaty of Madras when in 1771 he was attacked by the Marathas and the English failed to come to his aid. तो हमने क्या देखा था कि Treaty of Madras के अंदर ये decide हुआ था कि Hyder Ali और English आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है. तो जब हैदर अली के ऊपर मराठास अटैक करते हैं तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग इंग्लिश को हैदर अली की हेल्प करनी चाहिए थी, बट इंग्लिश हेल्प नहीं करते. इस वजह से हैदर अली उनको एक रीजन मिल जाता है इंग्लिश के ऊपर दोबारा वॉर करने का. ये हो गया पहला रीजन. दूसरा, ऑल्सो ही फाउंड दैट द फ्रेंच वर मच मोर हेल्पफुल दैन द इंग्लिश इन मीटिंग हिज आर्मीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ गन्स, सॉल्टपेटर एंड लेड. तो क्या हुआ कि जो हैदर अली थे उनको ये भी रियलाइज हो जाता है कि इंग्लिश से ज़्यादा तो उनकी हेल्प कौन करती है, फ्रेंच. क्योंकि जो भी एक आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होती है ये वेपन्स की, गन्स वगैरह की, तो इसमें जो फ्रेंच है वो ज़्यादा हेल्पफुल लगते थे हैदर अली को दैन दी इंग्लिश. Consequently, through Mahé, a French possession of the Malabar coast, some French war material was brought to Mysore. तो जो हैदर अली के जो relations थे वो French के साथ ज्यादा अच्छे हो गए थे than with the English. तो ये एक बैकग्राउंड में चल रहा है. एक तो हैदर अली ही इज बिकमिंग मोर क्लोज टू द फ्रेंच पीपल, एंड ऑल्सो जब हैदर अली के ऊपर मराठास अटैक करते हैं तो ब्रिटिश उनकी हेल्प नहीं करते, विच मीन्स दे वायोलेटेड द ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो ये एक मेन रीजंस, दो ये रीजंस हो गए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के. तीसरा रीजन ये होता है कि इसी बीच में क्या शुरू हो जाता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और इस वॉर में जो फ्रेंच होते हैं वो इंग्लिश के अगेंस्ट होते हैं. अंडर द सर्कमस्टांसेस हैदर अलीज फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच कॉज्ड इवन मोर कंसर्न टू द इंग्लिश. तो इस वजह से जो इंग्लिश होते हैं उनको, क्योंकि जो फ्रेंच थे वो इंग्लिश के अगेंस्ट होते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो फ्रेंच और इंग्लिश देवर ये तो प्रॉपर दुश्मन थे. और जो फ्रेंच है उनकी अब दोस्ती किससे होगी है, हैदर अली से. तो इस वजह से जो इंग्लिश है उनको दे वो उनको काफ़ी ज़्यादा वो अगेंस्ट हो जाते हैं हैदर अली के. दे देयरफॉर ट्राइड टू कैप्चर माहे विच हैदर रिगार्डेड टू बी अंडर हिज प्रोटेक्शन. तो ये जो माहे टेरिटरी थी ये किसकी थी, फ्रेंच की थी. तो फ्रेंच और हैदर अली दे वर हैविंग गुड रिलेशनशिप. तो जब इंग्लिश इस टेरिटरी को अटैक करते हैं तो हैदर अली को लगता है कि ये तो उसकी टेरिटरी को, क्योंकि वो काइंड ऑफ वो टेरिटरी उसकी प्रोटेक्शन के अंडर थी. तो जब उस टेरिटरी के ऊपर इंग्लिश अटैक करते हैं तो हैदर अली को ऐसा लगता है कि उसकी जो अथॉरिटी है इट इज़ डायरेक्टली बीइंग चैलेंज्ड. उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप तो डायरेक्टली मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो. तो ये जो है कुछ रीजंस हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के. एक तो ये हो गया कि जब हैदर अली के ऊपर मराठास ने अटैक किया, इंग्लिश ने उसकी हेल्प नहीं करी, फर्स्ट रीजन. दूसरा ये कि जो फ्रेंच है और हैदर अली है उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाते हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये जो है ये दो मेन रीजंस हैं विच लेड टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. Now, course of war. Hyder forged an anti-English alliance with the Marathas and Nizam. तो पहले एंग्लो-मैसूर वॉर में जो है वो ब्रिटिश एक अलायंस बनाते हैं निजम और मराठास के साथ. इसमें हैदर अली एक अलायंस बनाते हैं विद द मराठास एंड द निजम. ही फॉलोड इट अप बाय एन अटैक इन द कर्नाटक, कैप्चरिंग आरकोट एंड डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली इन 1781. तो पहले ये जो वॉर स्टार्ट होता है और ये लोग इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर देते हैं अंडर कर्नल बेली इन 1781. इन द मीन टाइम द इंग्लिश अंडर सर आयर कूट डिटैच्ड बोथ द मराठास एंड निजम फ्रॉम हैदर्स साइड, बट द अनडेटर्ड हैदर फेस्ड द इंग्लिश बोल्डली ओनली टू सफर अ डिफीट एट पोर्टो नोवो इन नवंबर 1781. बट उसके बाद वॉर चलते चलते फिर क्या होता है कि जो इंग्लिश है वो मराठास
अब्बास और निजम को हैदर अली से अलग कर देते हैं और फिर हैदर अली की डिफीट हो जाती है एट पोर्टो नोवो इन नवंबर 1781. However, he regrouped his forces and defeated the English and captured their commander Braithwaite. But फिर से जो हैदर अली है वो रिकवर कर लेते हैं और वो इंग्लिश को डिफीट करते हैं और कैप्चर करते हैं उनके कमांडर ब्रेथवेट को. फिर इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. तो जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था उसके बाद कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. तो ये ट्रीटी क्यों होती है? क्योंकि वॉर लड़ते लड़ते जो हैदर अली है ही डाइज ऑफ कैंसर. नाउ हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर फॉर 1 ईयर विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम. तो वॉर तो अभी चल रहा है बट हैदर अली ही डाइज ऑफ कैंसर और अब हैदर अली के जो सन है टीपू सुल्तान ही कैरीज ऑन द वॉर और 1 साल तक वॉर चलता रहता है. बट इस वॉर का भी पहले एंग्लो मैसूर वॉर की तरह कोई एज सच प्रॉपर एक पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता. तो एक ये इसी वजह से दोनों साइड्स हैं दे वो फेड अप हो जाती हैं एंड दे साइन अ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम दी अदर. तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंडर जो भी टेरिटरीज इन साइड्स ने एक दूसरे से ली थी वो उनको अब वापस करनी थी अंडर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. तो ये था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. आई होप यू रिमेंबर द रीजन्स और कौन सी ट्रीटी इसके अंडर साइन हुई थी. Now we will discuss third Anglo-Mysore war which took place from 1790 to 92. Background. A dispute arose between Tipu and the state of Travancore. तो सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने मैप दिखाया था आपको नीचे जब वहाँ पे वो जगह है ट्रेवनकोर. तो इसमें ये होता है कि एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है टीपू के बीच में और ट्रेवनकोर के बीच में. ट्रेवनकोर हैड परचेज्ड जलकोटाल एंड कैननोर फ्रॉम द डच इन द कोचिन स्टेट. एज कोचिन वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ टीपू ही कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ ट्रेवनकोर एज अ वायोलेशन ऑफ हिज सोवरेनिटी राइट्स. तो ये जो एक कुछ टेरिटरीज थी कोचिन स्टेट की जो कि ट्रेवनकोर के जो रूलर है वो परचेज कर लेते हैं. बट ये जो कोचिन है कोचिन स्टेट है वो किसकी फ्यूडेटरी होती है? टीपू सुल्तान की. तो ये जो ट्रेवनकोर की जो एक्ट होती है ये परचेज करना ये टेरिटरीज तो टीपू को लगता है कि ये तो उसकी जो राइट्स है उसका वायोलेशन हो रहा है. सो इन अप्रैल 1790 टीपू डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रेवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स. तो इस वजह से जो टीपू है वो ट्रेवनकोर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो ट्रेवनकोर का जो रूलर है वो परचेज करता है जलकोटाल एंड कैननोर फ्रॉम द डच जो कि कहाँ पे है? कोचिन स्टेट में. बट वो जो कोचिन स्टेट है वो किसकी फ्यूडेटरी है? वो टीपू सुल्तान की फ्यूडेटरी है. इसलिए उसको गुस्सा आता है और वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट ट्रेवनकोर. Now course of war. The English siding with Travancore attacked Tipu. तो अब जो Travancore है English जो है वो Travancore की side लेते हैं और मिलके वो लोग क्या करते हैं? Tipu को attack करते हैं. In 1790 Tipu defeated the English under General Meadows. तो Tipu defeat कर देते हैं English को. किसके command के under थे वो? General Meadows. In 1791 Cornwallis took the leadership and with the support of the Marathas and the The English attack Seringapatnam for the second time. फिर जो ब्रिटिश की जो आर्मी है वो किसके अंडर आ जाती है? कॉर्नवालिस की लीडरशिप के अंडर और वो फिर से मराठास और निजम की हेल्प के साथ जो सेरिंगापट्टनम वहां पे वो अटैक करते हैं जो कि किसकी टेरिटरी है? टीपू सुल्तान की. टीपू ऑफर्ड सीरियस ओपोजिशन बट द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम. कॉन्सिक्वेंटली ही हैड टू पे हैवीली अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम. तो इस वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम. पहले वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम.
So, Treaty of Seringapatnam. Under this treaty of 1792, nearly half of the Mysorean territory was taken over by the victors. तो कौन कौन थे victors? English थे, Marathas थे और Nizam थे. तो काफी ज्यादा Mysore की जो territories है वो इनको मिल जाती हैं. Besides a war damage of 3 crore rupees was also taken from Tipu. तो उनको कुछ war damage की amount देनी पड़ती है. Half of the war indemnity was to be paid immediately while the rest was to be given in installments. उसकी वजह से टीपू के जो सन दो बेटे उनको as a hostage जो है इंग्लिश रख लेती है. तो ये था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में. तो दिस वॉज अबाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. अब आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1798 से लेके 99 तक. बैकग्राउंड, इन 1796 व्हेन द हिंदू रूलर ऑफ वोडियार डायनेस्टी डाइड, टीपू रिफ्यूज्ड टू प्लेस वोडियार्स माइनर सन ऑन द थ्रोन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान. तो जब वोडियार डायनेस्टी का जो रूलर है वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो माइनर सन है ऑब्वियसली उनको वो आगे वो उनको सक्सीड करेंगे, बट टीपू ये होने नहीं देते और वो खुद को वहां का जो है वो खुद को वोडियार डायनेस्टी का सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं. ही ऑल्सो डिसाइडेड टू अवेंज हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट एंड द टर्म्स पुट बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम. उसके अलावा दूसरा पहला रीजन तो ये हो गया वोडियार डायनेस्टी वाला. दूसरा ये कि जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के अंडर जो भी उनको एक वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी थी, उनके दोनों सन्स को एज हॉस्टेज रखा था इंग्लिश ने, तो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स थे उस ट्रीटी के जिसका जो रिवेंज है टीपू लेना चाहते हैं. इन 1798 लॉर्ड वेलेसली सक्सीडेड सर जॉन शोर एज द न्यू गवर्नर जनरल. तो उधर से इंग्लिश अब सारी किसके अंडर आ जाते हैं, लॉर्ड वेलेसली के अंडर. एन इम्पीरियलिस्ट टू द कोर, वेलेसली was concerned about Tipu's growing friendship with the French. और वेलेसली ही वॉज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही न्यू ही कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ टीपूज फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच एंड एम्ड एट एनिलेटिंग टीपूज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और फोर्स हिम टू सबमिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. तो उनको ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसिस हैं वो समझ में आ जाते हैं. तो कोर्स ऑफ वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड फर्स्ट बाय इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस. आर्थर वेलेसली द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेसली ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर. सो इन दिस वॉर टीपू वॉज डिफीटेड अगेन एज ही वॉज डिफीटेड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. द इंग्लिश वर अगेन हेल्प्ड बाय द मराठाज एंड द निज़म. तो इन सब वॉर्स में जो मराठाज थे और निज़म थे उन्होंने इंग्लिश की हेल्प करी थी. द मराठाज हैड बिन प्रोमिस half of the territory of Tipu and the Nizam had already signed the subsidiary alliance. Tipu laid down his life fighting bravely. His family members were interned at Vellore and his treasures were confiscated by the English. The English chose a boy from the earlier Hindu royal family of Mysore as the Maharaja and also imposed on him the subsidiary alliance system. ये जो subsidiary alliance system है ये हम already discuss कर चुके हैं, जो previous जो हमने discuss किए थे Anglo Maratha wars वहाँ पर हम ये discuss कर चुके हैं. तो you can go and watch that video and you will understand this system of subsidiary alliance. तो ये जो है वो outcome होता है fourth Anglo Mysore war का. Now Mysore after Tipu, the new state of Mysore was handed over to the old Hindu dynasty Wodeyars under a minor ruler Krishna Raja III. तो ये जो टीपू के बाद किसके अंडर कौन से जो रूलर हैं वो अपॉइंट होते हैं, वो होते हैं कृष्ण राजा थ्री. इन 1831 विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस. फिर जो विलियम बेंटिक है वो अपने हाथों में ले लेते हैं पूरे जो मैसूर है उसको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस. फिर 1881 में लॉर्ड रिपन रीस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर. तो ये जो सारी है वो चीज़ें होती हैं आफ्टर टीपू. तो ये थे फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स. तो आपको बस याद रखना है कि रीजंस क्या क्या थे और उसके बाद जो ट्रीटीज हुई थी वो कौन से वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी. सो ऑल दिस यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. नाउ वी विल डिस्कस सम सैम्पल एमसीक्यूज.
First is टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स टू फाइट द इंग्लिश, तो कौन सी पावर्स की सपोर्ट ली थी इंग्लिश ने टू फाइट द सॉरी टीपू ने टू फाइट द इंग्लिश. फर्स्ट इज पोर्चुगीज, सेकेंड इज स्पेनिश, थर्ड फ्रेंच एंड फोर्थ इज डच. तो आंसर इज सी. हमने ये डिस्कस किया है कि जो टीपू सुल्तान है वो किसके एक अलाई थे, गुड रिलेशंस उनके किसके साथ थे, फ्रेंच के साथ. नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेज अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहाउजी एंड लॉर्ड हास्टिंग्स. तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेसली. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हमने देखा था कि जो जो पूरी इंग्लिश है वो किसके कमांड के अंडर आ गई थी, लॉर्ड वेलेसली के अंडर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.